मंजिल के करीब हम पहुंच गए हैं। वो यहाँ से हमें उतरना पड़ेगा भाग के। चलो जी उतर गए, बाय बाय। बहुत मजा आया भाई। यहाँ पे असल इम्तिहान है हमारा। यहाँ से गए तो सीधा हो। चलो यहाँ ज्यादा स्लीपिंग है भाई। हाँ हाँ यहाँ से आते हैं इधर से ऐसे। सवात में घूमते घुमाते हम पहुंचे इस खूबसूरत जगह पर, और अभी मंजिल ये नहीं है, हमने जाना है वो सामने टॉप पर। लेकिन रास्ते में बर्फ की वजह से इस गाड़ी से नहीं जाएंगे, अब हम जाएंगे 4x4 से। तो इस गाड़ी से जा रहे हैं हम 4x4 में। चलो जी लेट्स चलें। वीडियो बनाइए ये ऊपर देखिए। ज्यादा बर्फ थी कि 4x4 भी फेल हो गया, तो वहाँ पे हमें ट्रैकिंग करनी पड़ी। ट्रैकिंग का भी अपना एक्सपीरियंस था, इतना मजा आया वहाँ पे। इतनी बर्फ थी उसमें हम लोग चलते जा रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो वाला सारा डाटा डिलीट हो गया। रात को जब थक के पहुंचे तो बोन फायर का इंतजाम था, इसके बाद खाना खाया सो गए, और अगले दिन सुबह निकले हम फिर वापसी के लिए। और वापसी का लास्ट पॉइंट होता है शमूजी ब्रिज, तो डायरेक्ट आपसे वहीं पे मिलते हैं। इस ब्रिज पे हम मौजूद हैं, इसके बारे में हमें कुछ खास पता नहीं है, तो अली भाई से पूछते हैं, वो इसके बारे में हमें बताएंगे कि इसकी तारीख क्या है क्या नहीं। वो बता रहे थे तो चलो आपके साथ भी शेयर करते हैं जी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पीछे मेरे ब्रिज है, इसकी पहचान अभी शमूजी ब्रिज के नाम से है। ये 2009 में जब तालिबान इधर आए थे तो इधर ऑपरेशन हुआ था, आर्मी ने जो ऑपरेशन किया था, ये ब्रिज उस वक्त डैमेज हो चुका था, काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका था। तो ये दुबई के शेख थे, शेख ज़ाहिद बिन सुल्तान, ये उनके नाम से ये मंसूब है। ये उन्होंने ये पाकिस्तान को गिफ्ट किया था, ये ब्रिज बनावा के दिया था। और ये जो आप पीछे मेरे ये आप निशान भाई आपको दिखाते हैं, ये बिल्डिंग देख सकते हैं आप, ये भी दुबई के जो शेख थे उन्होंने ये तमीर करवा के दी थी। तो ये सवाद का काफ़ी अच्छा पॉइंट है। तो हमारा जो वापसी पे लास्ट पॉइंट होता है ये हमारा शमूजी ब्रिज के नाम से इसकी पहचान है, ये हमारा लास्ट पॉइंट होता है। ठीक है, फ्लैग भी इसी वजह से जी जी बिल्कुल, ये दुबई का यूएई का जो फ्लैग आप देख सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स के लिए हम रुके हैं दुकान पर, और स्वीटर भी है इतना बड़ा। उत्तरी गा रही किसका भाई। चलो शॉपिंग करते हैं यहाँ से थोड़ी बहुत। तो यहाँ पे भाई शॉपिंग के लिए चीज़ें तो काफ़ी सारी हैं। अब तीन दिन का ट्रिप था जिसमें काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी जगह घूमे भी, लेकिन डाटा सिर्फ इतना था जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इन हसीन वादियों को छोड़ कर जा रहे हैं अपने शहर की तरफ। तो ठीक है फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओके बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।